रानी परी की नन्ही राजकुमारी परी। एक बार की बात है, एक कोमल नाम की बहुत खूबसूरत नन्ही परी थी जो आज तक पृथ्वी लोक नहीं आई थी, न ही उसने कभी धरती का नजारा देखा था। जहाँ पर हर कोई खुश रहता था वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं था, और सभी लोग कोमल परी से बहुत प्यार करते थे, और वो भी सबकी बहुत इज्जत करती थी और सबसे प्यार से बातें किया करती थी। एक दिन नन्ही परी का धरती पर घूमने का बहुत मन करता है। रानी परी से इजाजत लेने के लिए वो रानी परी के महल जाती है और कहती है, रानी परी, मैं आपसे यहाँ पर आज्ञा लेने आई हूँ। मैं काफी दिनों से धरती पर जाने की सोच रही हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दे दे तो मैं एक बार धरती पर जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कोमल परी, हम तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हुए। अब तुमने बहुत कुछ सीख भी लिया है तो तुम धरती पर जा सकती हो। रानी परी से आज्ञा लेने के बाद कोमल परी दुनिया का दौरा करने का फैसला करती है और वो धरती पर उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। धरती पर पहुंचकर कोमल परी देखती है कि वहां पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर शहर है, जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकनीकी फैली हुई है। ये सब देखकर कोमल परी बहुत खुश होती है। अब कोमल परी धरती को और अच्छे से देखना चाहती थी। जैसे जैसे वो धरती पर इंसानों की खोजबीन करती है, तब उसे एहसास होता है कि धरती पर सभी लोग अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं और वो अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा चाहते हैं। ये देखकर कोमल परी थोड़ी उदास हो जाती है। यहाँ धरती पर कितने सारे अद्भुत चीजें हैं, परंतु फिर भी मानव अपने चीजों से प्रसन्न नहीं हुआ है। वो हमेशा अपनी इच्छा से ज्यादा चाहता है। ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमेशा दुखी रहेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ कभी अच्छी नहीं लगेंगी उन्हें। आसमान में उड़ते उड़ते परी एक गांव में पहुंच जाती है। गांव की हवा बहुत ही ज्यादा शुद्ध थी और वहां पर परी को सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। परी जैसे ही उड़ते उड़ते सड़क के किनारे पहुंच जाती है, वहीं एक गांव में उसे एक छोटी सी लड़की रोते हुए नजर आती है। परी उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? यहाँ गांव में तो सभी लोग इतने खुश हैं। मुझे बताओ, तुम्हें अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता मजदूरी करने गए हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी बच्ची की बात सुनकर कोमल परी को समझ आ जाता है कि उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। ये देखकर परी को छोटी बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। कोमल परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस छोटी बच्ची के सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर खिलौने प्रकट कर देती है। खिलौने देखकर छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारे खिलौने लेने के बाद छोटी बच्ची परी को धन्यवाद दे देती है। परी को बच्ची की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। जब कोमल परी वहाँ पर छोटी बच्ची की मदद कर रही होती है तो ये सब रानी परी देख रही होती है। कोमल परी का दयालु स्वभाव देखकर रानी परी को बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को खुश देखकर कोमल परी को बहुत अच्छा लगता है। तभी कोमल परी को ये एहसास होता है कि वो पृथ्वी लोक पर लोगों को खुश कर सकती है और अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद से कोमल परी इंसानों की दुनिया में रहने लगती है और वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो अपनी जादू का इस्तेमाल करती है और गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुसीबत में मदद करती है। जब भी कोमल परी को कहीं भी उदासी दिखती तो वो वहाँ पर प्यार फैलाने की कोशिश करती, और इस प्रकार नन्ही कोमल परी हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर ही रहने लगती है। और उसके इस फैसले से रानी परी भी बहुत खुश होती है। मेहंदी की ब्लाउज वाली गरीब स्टूडेंट, हाय, मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, और सजने संवरने के बाद तो मेरी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है। ईशानी एक अमीर घर की लड़की थी और वह फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के लिए शहर आई हुई थी, और उसके पिताजी ने उसकी देखरेख करने के लिए गांव से एक नौकरानी भी भेज दी थी जिसका नाम नंदनी था। नंदनी एक बहुत ही सीधे साधे गरीब परिवार से थी और ईशानी उसे जो भी काम बोलती
वह चुपचाप उस काम को कर दिया करती थी। अरे नंदनी, तुझे पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है, लेकिन तू अभी तक मेरी कॉफी लेकर क्यों नहीं आई? माफ करना मैडम, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर ले आती हूँ। इतना कहकर नंदनी कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही अगर नंदनी को किसी भी काम में देरी हो जाती थी तो ईशानी उसे बहुत सुनाती थी, लेकिन बेचारी नंदनी कर भी क्या सकती थी। उसे यह सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता था, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी और चंद पैसों की वजह से उसे यह सब कुछ सहना पड़ता था। वही ईशानी गांव के बड़े जमींदार की बेटी थी, इसलिए उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। और वह शहर कोर्स करने तो आई थी, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ दिन रात पार्टियां करती रहती थी। पता नहीं मैडम अपने कोर्स पर ध्यान देने की जगह सारा दिन अपने दोस्तों के पीछे पैसे क्यों उड़ाती रहती है। काश मेरे पास भी उनकी जैसी किताबें होती। चलो क्यों ना मैं एक बार उनकी किताबें खोलकर देख लूं। इतना कहकर नंदनी ईशानी की किताबें उठाकर पढ़ने लगती है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस बनाने के तरीके लिखे होते हैं। और यह देखकर नंदनी उस किताब को पढ़ने लगती है। उसी समय वहाँ पर ईशानी आ जाती है और कहती है, ये तुम मेरी किताबें लेकर क्या कर रही हो? माफ करना मैडम, वो मैं बस एक बार आपकी किताबें पढ़कर देखना चाहती थी। हाँ हाँ ठीक है, देख ले। वैसे भी मुझे इन किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सुन, तो जल्दी से मेरे हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा दे, मुझे आज एक पार्टी में जाना है। नंदनी ईशानी के दोनों हाथों पर एक सुंदर सी मेहंदी लगा देती है। चूँकि नंदनी को बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिजाइन बनाना आता था, क्योंकि उसने अपने गांव में ही मेहंदी लगाना सीखा था, इसलिए जब भी ईशानी को कहीं भी जाना होता था तो उसे नंदनी ही तैयार किया करती थी, जिसके बाद ईशानी और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती थी। और ऐसे ही तैयार होकर ईशानी पार्टी में चली जाती। और ईशानी के पार्टी में जाते ही नंदनी उसकी किताबें पढ़ने लगती है। अरे वाह, यह किताब तो बहुत ही अच्छी है, इसमें कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है। पर पता नहीं मैडम को इन किताबों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन की ड्रेस भी होती है। काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहन पाती, पर शायद हम गरीबों के नसीब में ऐसे सपने देखना भी एक ख्वाब ही है, क्योंकि मुझे पता है कि गरीब लोगों को सपने देखने का कोई हक नहीं होता। लेकिन एक बार जब हमारा दिल किसी भी चीज को करने की सोच लेता है तो वह कभी नहीं बदलता। इसलिए जब भी ईशानी घर से बाहर जाती थी तो नंदनी हमेशा उसकी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती थी। और वही ईशानी पूरी पूरी रात अपने दोस्तों के साथ क्लबों में पार्टी किया करती थी। और नंदनी मन लगाकर ईशानी की किताबें पढ़ा करती थी। और ऐसे ही किताबें पढ़कर वह ड्रेस डिजाइन करना सीख लेती है और अपने फटे पुराने कपड़े काटकर एक सुंदर सी ड्रेस बनाने लगती है। वही ईशानी के कॉलेज में एक दिन प्रोफेसर ने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो तुम लोग। तुम लोगों के लिए मेरे पास एक टास्क है। इस 2 दिनों के अंदर तुम लोगों को एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर लानी है। एकदम यूनिक होना चाहिए और कोई भी एक दूसरे का डिजाइन कॉपी नहीं करेगा, ठीक है? प्रोफेसर की बात सुनकर ईशानी को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाता है। अरे यार, मुझे तो डिजाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर मैं इन 2 दिनों में ड्रेस कैसे बनाऊंगी? उसी समय ईशानी की एक दोस्त उससे पूछती है, अरे ईशानी, तुमने कुछ सोचा है कि तुम किस तरह की ड्रेस बनाकर लाओगी? अरे नहीं यार, इन 2 दिनों में ड्रेस बनानी है और मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है। इतना बोलकर ईशानी जब कॉलेज से घर आती है तो वह देखती है कि नंदनी एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर शीशे के आगे खड़ी होती है। अरे ओ नंदनी, तेरे पास इतनी सुंदर सी ड्रेस कहाँ से आई? तूने कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुझे यह इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से मिली, जल्दी बता मुझे। मैडम, यह ड्रेस मैंने खुद से बनाई है। बनाया है? पर तू कैसे बना सकती है? तू तो गांव की एक गवार लड़की है ना? मैडम, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, इसलिए मैंने आपकी किताबें पढ़कर अपने फटे पुराने कपड़ों से ये ड्रेस बनाना सीखा है। अरे वाह, तू तो बड़े कमाल की निकली। अच्छा, तो तू ये ड्रेस मुझे दे दे, मैं इसे अपने कॉलेज में दिखाऊंगी।
क्या सच में मैडम आप इसे अपने कॉलेज में दिखाएंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर तुमने इतनी सुंदर ड्रेस जो बनाई है। इतना सुनकर नंदनी वो ड्रेस उतारकर ईशानी को दे देती है और ईशानी वो ड्रेस ले जाकर अपने प्रोफेसर को दिखाती है और ड्रेस को देखकर प्रोफेसर कहते हैं, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर डिजाइन है, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? और नहीं तो क्या सर, मेरी नौकरानी बनाएगी ऐसी ड्रेस। पर मुझे तो लगता है तुम्हें इस कोर्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुमने कैसे बना दिया यह ड्रेस? सर, बिना इंटरेस्ट के भी कभी कभी कोई काम बहुत अच्छा हो जाता है। प्रोफेसर को ईशानी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए उनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है। वही ईशानी की दोस्त उससे कहती है, अरे ईशानी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास ड्रेस बनाने के लिए कोई आइडिया ही नहीं है, फिर तुमने इतनी जल्दी इतनी सुंदर ड्रेस कैसे बना ली? यही तो टैलेंट है मेरा, जिसके बारे में तुम लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है। ईशानी सबके सामने अपने आप को नंबर वन बताने में माहिर थी। ऐसे ही समय बीतता गया और नंदनी मन लगाकर ईशानी की सारी किताबें पढ़ती गई और नंदनी भी इस बात का फायदा उठाकर अपना सारा काम नंदनी से ही करवाने लगती है। कॉलेज में उसे जो भी काम मिलता था वह घर आकर नंदनी को वह काम करने के लिए बोल देती थी और बेचारी नंदनी रात भर जाग कर ईशानी का वह काम कर दिया करती थी और उस काम को करने में नंदनी को भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही नंदनी बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाना सीख जाती है और कुछ समय बाद फाइनल एग्जाम का समय आ जाता है और प्रोफेसर कहते हैं, तुम सबके फाइनल एग्जाम के लिए मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ और यह टास्क हमारे भारतीय परंपरा से रिलेटेड है, इसलिए तुम लोगों को ट्रेडिशनल लेकिन मॉडल दिखने वाले साड़ी और ब्लाउज बनाना है, इसलिए तुम सब इसके लिए अच्छे से तैयारी करना। प्रोफेसर की बात सुनकर ईशानी हंसते हुए घर आती है और नंदनी को अपना काम बता देती है, जिसके बाद नंदनी अपना काम करने लग जाती है। वहीं रात भर पार्टी करने के बाद ईशानी सुबह घर आकर सो जाती है और नंदनी साड़ी और ब्लाउज बनाना शुरू कर देती है। उसी समय उसके घर के सामने से कॉलेज के प्रोफेसर गुजर रहे होते हैं, तभी वे सोचते हैं, अरे यह तो ईशानी का घर है, चलो चलकर देखता हूँ कि वह इस वक्त क्या कर रही है। प्रोफेसर जैसे ही घर के पास आते हैं तो उन्हें खिड़की से सब कुछ दिख जाता है कि कैसे ईशानी आराम से बेड पर सो रही है और उसकी नौकरानी उसका सारा काम कर रही होती है और यह देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि यह नालायक लड़की इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस कैसे बना सकती है। इतना कहकर प्रोफेसर घर के अंदर आ जाते हैं। यह देखकर ईशानी उठ जाती है। अरे सर, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था, लेकिन वह जो तुम दूसरों से करवा रही हो और तुम किसी और के टैलेंट को अपना नाम दे रही हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदनी है। सुनो नंदनी, आज के बाद से तुम इस बेईमान लड़की का कोई काम नहीं करोगी, बल्कि अब खुद फाइनल एग्जाम में हमारे साथ पार्टिसिपेट करोगी, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलकर प्रोफेसर नंदनी को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। अरे यार, नंदनी तो चली गई, अब मैं अपना टास्क कैसे पूरा करूंगी? नंदनी ने जाते जाते ईशानी की साड़ी तैयार कर दी थी, लेकिन उसका ब्लाउज नहीं बनाया था, इसलिए ईशानी नंदनी का ब्लाउज चुराने के बारे में सोचती है, क्योंकि नंदनी ने प्रोफेसर के घर पर रहकर ही दिन रात मेहनत करके साड़ी और ब्लाउज तैयार कर लिया था। और एग्जाम की पहली रात जब नंदनी सो रही होती है, उसी बात का फायदा उठाकर ईशानी नंदनी का ब्लाउज चुरा लेती है और अगले दिन सुबह नंदनी अपने ब्लाउज को ना देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरा ब्लाउज कहाँ चला गया, मैंने तो यहीं पर रखा था, अब मैं क्या करूँ? नंदनी बहुत ही टैलेंटेड थी, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह मेहंदी की कीप लाकर अपने शरीर पर ब्लाउज का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना लेती है और साड़ी पहनकर कॉलेज चली जाती है, जहां वह देखती है कि ईशानी ने उसका बनाया हुआ ब्लाउज पहन रखा है
और यह देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन प्रोफेसर नंदिनी के इस यूनिक मेहंदी वाले ब्लाउज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसको उसके इस टैलेंट के लिए अप्रिसिएट करते हैं। उसी समय ईशानी कहती है, अरे इस गांव की गवार लड़की में इतना टैलेंट कहां से आ गया? ईशानी, टैलेंट कोई अमीर इंसान लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि जो इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है उससे उसका टैलेंट अपने आप उभर कर बाहर आ जाता है। फिर उससे उसके अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी ने आज इस ट्रेडिशनल तरीके से मेहंदी का ब्लाउज बनाकर और मॉडल साड़ी पहनकर एक एग्जाम को पूरा कर लिया है, इसलिए नंदिनी को इस शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दी जाती है। प्रोफेसर की बात सुनकर नंदिनी को हर कोई अप्रिशिएट करने लगा और उसकी इस कामयाबी के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी एग्जाम में फेल हो जाती है क्योंकि उसने चोरी से उस एग्जाम को पूरा किया था, जिस वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। और वहीं नंदिनी शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर कंपनी में नौकरी करने लग जाती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। अनाथ बेटी की किस्मत। सीता एक गरीब भिखारन थी। वह दिन भर इधर उधर से मांग कर अपना गुजारा किया करती थी। चलो आज मंदिर में जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ पर कुछ प्रसाद मिल जाए। वैसे भी अब शाम होने वाली है, यहाँ पर तो मुझे कोई कुछ दे ही नहीं रहा। तभी सीता मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगती है और मंदिर में आते जाते वक्त सीता को प्रसाद और कुछ पैसे दे रहे थे। तभी सीता शाम होने के बाद अपने घर वापस जाने लगती है। तभी वह रोड पार करके अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है क्योंकि उस रोड के उस पार ही सीता की झोपड़ी थी। और वह जब अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है जिसे सुनकर सीता कहती है, अरे यह आवाज तो किसी बच्चे की लग रही है, पर यह आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है उस तरफ से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। तभी सीता उस बच्चे के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, यह इतनी छोटी बच्ची आखिर यह किसकी है और इसे यहाँ इस तरफ सड़क के किनारे पर कौन छोड़कर चला गया? आखिर यह किसका बच्चा हो सकता है? सीता जब अपने आसपास देखती है तो उसे एक औरत दर्द में कराहती हुई आवाज लगाती है, मेरी बात सुनो बहन। अरे तुम कौन हो और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मैं एक बच्चा चोर हूँ और मैंने इस बच्ची को कुछ देर पहले ही स्टेशन से चुराया था और शायद भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दे दी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगी। और मुझे यह भी नहीं पता है कि इस बच्ची का परिवार कौन है, लेकिन इस बच्ची के हाथ में यह सोने का करा है और मैंने इसे बेचने के लिए इसे इसके हाथ से निकाल लिया था। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहते ही वह औरत वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और अब वह रोती हुई बच्ची सीता के गोद में थी और सीता का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तभी सीता उस बच्ची को अपने गले से लगा लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। मैं जानती हूँ मुझे नहीं पता यह बच्ची किसकी है और ना ही मैं इतनी बड़ी दुनिया में इसके माता पिता को ढूंढ सकती हूँ, और अगर यह किसी गलत हाथ में चली गई तो इस बच्ची की तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। और अब शायद भगवान की भी यही इच्छा है कि मैं ही इस बच्ची की देखरेख करूं और अब से यह बच्ची मेरे जीने का सहारा बनेगी और अब मैं ही इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। मैं इसे अनाथ नहीं होने दूंगी और मैं इसका नाम अंजलि रखूंगी। सीता को वह बच्ची मिल जाने के बाद जैसे उसके अंदर एक माँ की ममता सी जाग जाती है और वह उसी समय जाकर उस बच्ची के लिए दूध खरीद कर लाती है और उस बच्ची को पिलाती है। अंजलि के आ जाने के बाद सीता ने तब भीख मांगने जाना बंद कर देती है क्योंकि अब वह ज्यादातर समय अंजलि की देखभाल करने में निकाल देती थी। अरे
अब मैं अंजलि को घर में अकेला छोड़कर भीख मांगने नहीं जा सकती और भीख के पैसों से मैं अपनी बच्ची को नहीं पालूंगी। मैं अपनी अंजलि के लिए कहीं पर भी मजदूरी करूंगी, लेकिन अब भीख नहीं मांगूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। मैं कल ही काम की तलाश में जाऊंगी। अगले दिन सीता अंजलि को गोदी में लिए काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है और सीता अंजलि को वहीं एक कपड़े में लिटाकर सारा दिन मेहनत मजदूरी करने लगती है और शाम को जो भी पैसे मिलते उससे वह दूध और सब्जियां खरीदती है। और ऐसे ही अब हर रोज सीता मेहनत मजदूरी करने लगती है। एक दिन वहाँ के ठेकेदार ने सीता से कहा, अरे सीता बहन, तुम्हारी नज़र में कोई साफ सफाई करने वाली औरत हो तो मुझे बताना, मेरे घर में इस समय नौकरानीन की बहुत जरूरत है। अरे भैया जी, अगर आपको सही लगे तो क्या आप यह काम मुझे दे सकते हैं? मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। अरे तो इसमें हमें क्या परेशानी हो सकती है? जो पैसे हम दूसरे को देंगे तो वही पैसे तुम ले लेना। इस तरह सीता ठेकेदार के घर साफ सफाई का काम करने लग जाती है और ठेकेदार के घर पर काम करते करते सीता आस पड़ोस के और भी घरों में काम करने लगती है। सीता अंजलि के साथ बहुत ही खुश रहती थी क्योंकि अंजलि के आ जाने से उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी और उसने भीख मांगने का काम छोड़कर मेहनत करके कमाने का भी सोचा। ऐसे ही समय बीतता गया और अंजलि 5 साल की हो गई। मैम साहब, मैंने सारा काम कर लिया है तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लाना है। अरे हाँ हाँ, चली जाओ। और वैसे भी मुझे पता है कि जब तुम यहाँ आती हो तो तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी बेटी में ही होता है। जब तक तू उसके पास चली नहीं जाती है तब तक तुझे चैन नहीं आता है। अरे वो स्कूल ही तो गई है तो इसे लेकर इतनी चिंता क्यों करती है? हमारे भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम तो इतना परेशान नहीं होते जितना कि तू हो जाती है। मैम साहब, यह तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इतनी चिंता क्यों करती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ मैम साहब। सीता के मन में जो डर था वह यह था कि अंजलि उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वह उसे खोने से डरती थी। अरे माँ, आप कहाँ रह गई थी? स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई? अरे मेरी बच्ची, वो मैं मैम साहब के यहाँ चली गई थी, इसलिए आने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। मुझे माफ कर दे बेटी। अरे माँ, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आप मुझे दिलवा दो ना। अच्छा, तुम यही खड़ी रहो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। सीता अंजलि के लिए आइसक्रीम लेने चली जाती है, तभी एक कार वाला अंजलि के बगल से निकलता है जिससे धक्का लगने से अंजलि नीचे गिर जाती है। तभी सीता भागते हुए आती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? अरे तुम लोगों से देखकर नहीं चलाई जाती गाड़ियाँ, अंधे हो गए हो क्या? अगर मेरी बच्ची को चोट लग जाती तो मैं तुझे नहीं छोड़ती। अरे अंजलि बेटी, तुम सच में ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना बेटी? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। सीता के मन में ऐसा डर हमेशा ही बना रहता था, इसलिए वो अंजलि का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और अंजलि बड़ी हो गई और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद अंजलि को एक बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाती है। अरे माँ, मेरी नौकरी लग गई है और महीने के पूरे 20,000 सैलरी मिलेगी। देखना माँ, अब मैं धीरे धीरे कितना पैसा कमाऊंगी, फिर तुम्हें मेरे लिए दूसरे के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा और फिर मैं अपनी माँ को सिर्फ आराम दूंगी आराम। बस आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देती रहो। मेरा सारा प्यार तो हमेशा मेरी बच्ची के साथ ही है। तू बैठ बेटी, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अंजलि खाना खा लेती है, तभी अंजलि की दोस्त शिवानी उसे बुलाने आती है। अरे ओ अंजलि, जल्दी बाहर आओ वरना हमें देर हो जाएगी। अरे माँ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, वो मैं शिवानी के साथ बैंक जा रही हूँ, कुछ काम है। ठीक है अंजलि बेटी, आराम से जाना, ठीक है? तभी अंजलि शिवानी के साथ बैंक जा रही होती है
कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी स्पीड से आती है और उन दोनों को टक्कर मारकर वहां से चली जाती है। शिवानी दूसरी तरफ से चल रही थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन अंजलि को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी आसपास के लोग उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अंजलि अभी भी बेहोश पड़ी होती है। तभी सीता भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, यह क्या हो गया? कोई तो मेरी बच्ची को ठीक कर दो, यह मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया? आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अंजलि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर नंदलाल जी हैं और वह एक बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर हैं। वो अभी आते ही होंगे, देखना वो अंजलि को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर नंदलाल जी वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर नंदलाल उस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर थे। सर, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है, उसके सर में गहरी चोट आई है और पेशेंट का खून भी बहुत बह गया है। तुम लोग ऐसा करो, पेशेंट को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी करो। डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची को बचा लो, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज डॉक्टर साहब। अंजलि को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है और डॉक्टर नंदलाल अंजलि का ऑपरेशन करने लगते हैं। तभी उनकी नजर अंजलि के हाथों में पड़े उस कड़े पर जाती है। यह देखकर डॉक्टर नंद किशोर चौंक जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और उनके हाथ भी कांपने लगते हैं। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए अंजलि का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन सफल होता है। ममता, हमारी बेटी काव्या हमें मिल गई है, तुम बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या आप सच कह रहे हैं, हमारी खोई हुई बेटी काव्या हमें मिल गई? मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ जी। अंजलि डॉक्टर नंदलाल की बचपन में खोई हुई वही बेटी होती है जो सीता को कई सालों पहले रोड पर मिली थी। तभी सीता डॉक्टर और उसकी पत्नी ममता को सारी सच्चाई बताती है। अंजलि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे यह सच्चाई छुपाई। बेटी, तुम्हारे असली माता पिता यही हैं। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैंने तो बस तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। नहीं माँ, तुम मेरी पूरी जिंदगी हो, तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। अरे, जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मेरे लिए दिन रात लोगों के घरों में काम किया, आज मैं उस माँ को छोड़कर किसी और के पास भला कैसे जाऊँ? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे लिए तो आप ही मेरी दुनिया हो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंजलि सही कह रही है, आपने जो किया है आजकल के जमाने में वह कोई नहीं कर सकता। लेकिन अंजलि बेटी, हमारा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए आज से तुम्हें और सीता बहन को कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अंजलि के लिए सीता ही उसकी माँ थी, लेकिन साथ ही साथ वो अपने असली माता पिता के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस दिन से वह सीता के साथ उनके असली माता पिता के घर में रहने लग जाती है। अब अंजलि के आ जाने से उसके असली माता पिता के जीवन में भी खुशियाँ आ जाती है और अब सभी लोग एक साथ मिलकर प्यार से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।